नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। खूबसूरत इसलिए साथियों कि ये आपको सपने को साकार करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, ये आपको कोशिश करेगा, ये प्रोग्राम आपको वो जानकारी दे सके जिससे आप अपने चेहरे को खूबसूरत रख पाएं। आप अंदर से बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं आपका चेहरा भी खूबसूरत हो। तो जो वो गाना था कि तेरे चेहरे पे वो जादू है, बिंडोर शायद ऐसे ही था, बिंडोर चला आता हूँ, तो वैसे गाने को चरितार्थ आपके चेहरे पे करने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। और हम आपको बताएंगे ऐसी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों दो बातें करना चाहेंगे। पहली बात तो ये साथियों, जो आपका कर्म होते हैं, जो आपके काम होते हैं, वही आपके चेहरे पे दिखते हैं। तो अपने अमाल को, अपने काम को, अपने कार्यों को, अपनी बातों को बहुत अच्छा रखें। आपका चेहरा यकीन मानिए 80% इसी से ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा खान पान, आप अपने खान पान को टॉप क्लास रखें, आप देखेंगे कि आपका चेहरा चमकेगा। यह आपके 20% पूरा कर देगा। तो मैं समझता हूँ 80% आपके जीवन में कर्म और विचार और 20% आपका खान पान, ये हो गया 100%। अब आप सोच रहे होंगे कि 100% हो गया तो दवाओं की ज़रूरत ही क्या है। जी हाँ, ये बात सही है। आप ये दो काम कर लीजिए तो दवाओं की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी ये बना हुआ है कि आपको दिक्कतें हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके खूबसूरत चेहरे के लिए आपके मन में जो जो सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब आपको सिम्टम्स के हिसाब से होम्योपैथिक दवा करने से सॉल्व हो जाए। दवाएं बताने से पहले जो दूसरी बात हमने कही थी कि यह दवाएं किसी कुशल चिकित्सक से पूछिए, रखिएगा। सारी जानकारी जो मुझे छोटी मोटी गरीब को जानकारी है वो आपके सामने रख देगा। फिर आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, वो आपका काम है। लेकिन मैं ये जानकारी आपके सामने रख दूंगा, वो 10 दवाएं जो आपके चेहरे को खूबसूरत बनाने में मदद करेंगी, चेहरे को चमकाने में मदद करेंगी, आपको और कॉन्फिडेंस लाने पर मदद करेंगी। चलते हैं साथियों सफ़र पर, बताते हैं आपको चेहरे को खूबसूरत करने की या चेहरे की कमियों को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, खूबसूरती का अगर आयाम आता है तो सबसे बड़ा आयाम आता है कि आपका रंग गोरा हो, आपका चेहरे का रंग खुला हो। काले लोग भाई मेरे हिसाब से तो मतलब कोई महत्व ही नहीं, कोई गोरा है काला है, वो तो ऊपर वाले का दिया हुआ उसको रंग है, उसके लिए किसी को क्या करना, क्या चिंता। लेकिन ये समाज है, यहाँ पर जो है तमाम बॉलीवुड की हीरोइनें, जिसमें से कई हीरोइनें तो मैं कहूँगा कि ऐसी हैं कि आप उनको अपने घर परिवार के बीच भी ना बैठाना पसंद करें, वो उन हीरोइनों को देखने लोग जाते हैं और उनकी पिक्चरें 100-100 करोड़ का टर्नओवर देती हैं। एक वक्त था कि वो हीरोइनें जिनको हिंदुस्तान की संस्कृति में एक्सेप्ट ही करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मैं देखता था पहले वैजयंती माला और सायरा बानो और तो हीरोइनें थी इस तरह की, वो पहले क्या था कि बस वो अगर कभी दिखाना होता था, जैसे कि दोनों के बीच किसी गलती से संबंध हो गया और जो है उसके बाद वो प्रेगनेंसी आ गई, तो वो केवल हाथ छू के वो शॉट ख़त्म हो जाता था और अगले जो शॉट होता था उसमें दिखाते थे हाँ इनके बेबी कंसीव हो गया। अब आज का दौर है कि पूरी कहानी दिखा देते हैं। और वो हीरोइने को देखने 100-100 करोड़ का बिजनेस पहुँचता है, और उसका सिर्फ एक कारण है उनका रंग गोरा। तो रंग गोरा होना एक ख्वाब होता है आदमी का। तो सबसे पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं चेहरे को खूबसूरत बनाने की श्रृंखला में। इसकी साथियों बहुत कारगर दवा है आयोडम। एक वीडियो में हमने पहले भी बताया था, अगर आपको अपना रंग साफ करना है, जो कि एक चेहरे को खूबसूरत करने का बहुत बड़ा आयाम है, तो आपके लिए दवा है आयोडम। अगर आप आयोडम की 1 mg की खुराक, 1000 पावर की खुराक 6 महीने तक लगातार हर हफ्ते लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रंग खुल जाएगा। खुलने का मतलब काले से बिल्कुल सफ़ेद नहीं होगा, लेकिन सांवले से हल्कापन रंग में ज़रूर आ जाएगा और आपका चेहरा और खूबसूरत लगेगा। तो अगर आपका रंग काला है तो
तो आप आयोडम जरूर ट्राई करिए, यह आपके रंग को गोरा करने में बहुत मदद करेगी। फिर साथियों एक और दिक्कत जो आमतौर पर आपकी खूबसूरती के बीच में रोड़ा आता है चेहरे की, वह है चेहरे पे गड्ढे। आपके कभी दाने आए होंगे, पिंपल्स आए होंगे, हर व्यक्ति के आते हैं और उसके बाद चेहरे पे स्किन पे गड्ढे पड़ जाते हैं। तो अगर चेहरे पे आपके फेस पिट्स हो गई हैं, गड्ढे पड़ गए और वह आपके चेहरे की खूबसूरती को छिपा रहे हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा और गड्ढे को भरने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सलीसिया। आप सलीसिया 3x पावर में एक एक टैबलेट दिन में 3 बार 10 महीने से साल भर ले लें। आप देखेंगे कि जो आपके चेहरे पे फेस पिट्स आए, गड्ढे आए हैं एक्ने के बाद और उससे आपके चेहरे पे दाग लगे हैं, जिसे कहना चाहिए आप उसे बुरा महसूस कर रहे हैं, तो यह दवा सलीसिया 3x पावर में यह दवा आपको ठीक करेगी, आपके चेहरे के गड्ढे भरेगी और आपकी स्किन को बिल्कुल फ्लॉलेस बनाएगी। फिर साथियों बात आती है चेहरे पे दाग की। अगर चेहरे पे दाग है, कभी आपके दाना निकला या आपके दाने निकलते हैं उन चेहरे पे दाग की, तो अगर आपके चेहरे पे दाग हैं, दानों के स्कार्स हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सल्फर। सल्फर 1 mg की 3 खुराक आप 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकती हैं। अगर आपके चेहरे पे एक्ने के स्कार्स रह गए हैं और वह आपको परेशान कर रहे हैं, तो जब आपके चेहरे के दाग चले जाएंगे तो आप चमकेंगी और आपका चेहरा खूबसूरत होगा। आप सल्फर 1 mg लें। सल्फर का मरीज आपको मैं बता दूं कि वह उसको मीठा खाना बहुत पसंद होता है, थोड़ा सा फेस डर्टी लुकिंग होता है, थोड़ा सा गंदा सा फेस होता है, नहाना सल्फर के मरीज को कम पसंद होता है, बमुश्किल वो नहाता है क्योंकि काम पे जाना है और रात में वो जागता है, बहुत देर रात में सोता है और सुबह देर से उठने की कैफियत होती है। यह सिम्टम है साथियों तो आपको चेहरे के चमकाने की, आपके जो दाग धब्बे हैं पिंपल्स के और पिंपल्स को ख़त्म करने की नंबर एक दवा सल्फर है। फिर साथियों दूसरा मापदंड आता है कि आपके चेहरे को आपको खूबसूरती में जो दाग लगाता है वह है आपके चेहरे पे झाई, हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आपके चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन है साथियों, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 3 बहुत कारगर दवाएं हैं। ये दवाएं 3 दवाएं आप ले लेंगे तो आपके चेहरे की झाई 6 महीने में खत्म होने की पूरी संभावना है। पहली और फार्मोस्ट दवा है सीपिया, दूसरी दवा है लाइकोपोडियम और तीसरी दवा है कोलोफाइलम और अगर चौथी दवा भी जो होती तो सरसा पैरेला। तो यह सीपिया ऐसी दवा है जो आपके चेहरे की झाई को ख़त्म कर देगी। इसको आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका चेहरा चमक गया, आपके चेहरे की झाई ख़त्म हो गई। अगर आपका पेट खराब रहता है तो उसकी दवा लाइकोपोडियम है। आप लाइकोपोडियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आप देखेंगे कि उसके कारण जो आपके चेहरे पर झाई है वह ख़त्म हो गई। और जो इसकी हेड रेमेडी झाई ख़त्म करने की वह कोलोफाइलम, इसको आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपकी चेहरे पे दाग की समस्या भी ख़त्म। और अगर आयोडम फेल होती है तो लाइकोपोडियम भी आपके रंग गोरा करती है और आपके रंग को साफ करती है। तो लाइकोपोडियम, सीपिया और कोलोफाइलम लेकर आप अपने चेहरे की झाई को ख़त्म कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आ सकती है आप में से किसी को लगता हो कि हमारा चेहरा बहुत गंदा है, बहुत चिकना है, बहुत ज़्यादा उससे तेल निकलता है, वो सारे फेस को पोर को ब्लॉक कर देता है और आपके उसके बाद एक्ने निकलने लगते हैं। तो यह जो ग्रीसी लुक अगर आपको फेस का अपने लगता है, गंदा लुक लगता है, डर्टी लुक लगता है और लगातार आपके मुहासे निकलते हैं, ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होने के कारण पोर्स में, तो उसको ठीक करने की दवा है सुराइनम। आप सुराइनम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर ले सकती हैं। यह दवा लेने से आपका जो गंदा सा लुक है, स्किन का ग्रीसी लुक है, वह ख़त्म हो जाएगा और आप चमकेंगी, किसी से भी ज़्यादा चमकेंगी। तो सुराइनम बहुत अच्छी दवा है, जो इसकी 1 खुराक सुराइनम 1 mg की 1 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आपके पूरे चेहरे को चमका के बेहतर बना सकती है, आपके एक्ने को ख़त्म कर सकती है और आपके जो एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीशन हो रहा है ऑयली स्किन में उसको ख़त्म कर सकती है। एक स्थिति किसी हमारी बहन में, साथी में आ सकती है
कि उनका पीरियड बहुत इरेगुलर रहता है और उससे उनका चेहरा मुरझा गया है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो और आपका चेहरा मुरझा गया हो, या आपने कभी प्रेगनेंसी हुई हो, प्रेगनेंसी के बाद आपके क्लियज्मा यानी झाई आ गई हो, तो अगर मेंसेस के कारण आपका चेहरा मुरझा रहा है, इरेगुलर पीरियड्स के कारण आपका चेहरा मुरझा रहा है, हमारे छोटे बच्चों तक में 12-13 साल के बच्चे से इस सिम्टम की शुरुआत हो जाती है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा और आपके चेहरे को चमकाने की होम्योपैथी में दवा सीपिया है। आप सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आप भी चमकेंगे, आपका चेहरा भी चमकेगा, आपका पीरियड भी रेगुलर हो जाएगा और आपके चेहरे की खूबसूरती जो आज वीडियो का विषय है वह इस दवा से बहाल होगी, आपकी पूरी झाई खत्म हो जाएगी और आप जो है अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। दूसरी स्थिति आती है कि झाई हो गई यानी मिलाज्मा हो गया प्रेगनेंसी के बाद। अगर प्रेगनेंसी के पहले है क्लियज्मा तो सीपिया दवा है, और अगर प्रेगनेंसी के बाद आपको हो गया तो उसकी दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। आप कैल्केरिया कार्ब 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार और सीपिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दोनों दवा ले सकते हैं। यह दवा आपके मिलाज्मा जो आपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेगनेंसी अटेंड करी थी उस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद जो आपके चेहरे पर झाई आ गई है, तो यह सीपिया और कैल्केरिया कार्ब उसको ठीक करके आपके सारे सिम्टम्स में रिलीफ देकर आपके चेहरे को चमकाएंगी। तीसरी चीज़ आती है साथियों, चेहरे पे ग्लो। आपको चेहरे पे ग्लो चाहिए, खूबसूरत चेहरे की बात हो रही तो चेहरे पे चमक होनी चाहिए, और चरक चेहरे पे चमक लाने की नंबर एक दवा होम्योपैथी में साथियों है बर्बरिस एक्यूफोलियम। बर्बरिस एक्यूफोलियम का मदर टिंचर आप 20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में ले सकते हैं और इसकी 5 बूंद एक चम्मच पानी में डाल के कॉटन से चेहरे पे सुबह शाम लगा सकते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपका चेहरा 6 महीने के अंदर चमकेगा, ग्लो करेगा, चेहरे के निशान खत्म होंगे और आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन भी क्लियर करने में मदद होगी। तो बर्बरिस एक्यूफोलियम एक बहुत अच्छी दवा है आपके चेहरे को खूबसूरत बनाने की, आपके चेहरे पे चमक लाने की। एक स्थिति हमारे किसी साथी के साथ आ सकती है कि उसने बहुत कॉस्मेटिक यूज़ करे, वो महिला जिसने बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करे और उसके बाद उसका चेहरा इतना भद्दा हो गया कि देखने का मन नहीं करता उसको स्वयं को आईने में। अगर यह स्थिति आप में किसी में है कि आपने अपने जीवन में बहुत कॉस्मेटिक यूज़ करे हो या करते हो और आपको एहसास होता हो कि आपका चेहरा दिन पर दिन गंदा होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है और आपको उसको ध्यान देना है, तो अगर वह स्थिति है तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बोविस्टा। आप बोविस्टा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। अगर आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से आपने अपने चेहरे को बर्बाद कर दिया हो, उसका सारा ग्लो ख़त्म कर दिया हो, उसकी सारी चमक ख़त्म कर दी हो, सारे चेहरे पे निशान आ गए हो, चेहरा मुरझाया लग रहा हो, तो बोविस्टा आपको ठीक करेगी और यकीन मानिए कॉस्मेटिक आपके चेहरे की खूबसूरती का विकल्प बिल्कुल नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, विदेशी कंपनियों की साजिश है, 4000 रुपये की इतनी सी क्रीम बेच रहे हैं, क्रीम में कांचे कांच है, क्रीम तो उसमें इतनी सी है, अब इतनी सी क्रीम आप 4000 रुपये की ले रहे हैं और उसके बाद आप इस स्थिति में आ रहे हैं कि आपका चेहरा कॉस्मेटिक से ख़राब हो गया। मैं अभी बताऊं आपको अपने बारे में, मैं भी 2 क्रीमें एक बहुत बड़ी कंपनी की लाया था जिसका ऐश्वर्या राय और तमाम लोग जिसका जो है वो प्रचार करते हैं, तो मैं भी 2 क्रीम खरीद लाया, थोड़ा लालच में आ गया, मॉल में गया, ये शॉपर्स स्टॉप में गया तो वहाँ पे वो महिला बड़ी चमक रही थी, तो जो है 2 पल हमारी बाइक रुकी तो हम भी रुक गए, तो वो अपनी लिपस्टिक देख रही थी तो मैं क्रीम देखने लगा, मैंने कहा लो भाई हम भी अपनी चमक के लिए और क्रीम करें, तो उसने हमें पैकेज में 2 क्रीमें दी, एक 4000 की क्रीम थी वो SPF कुछ बता रहा था और जो है दूसरा जो है एक मॉइस्चराइज़र था, बड़ी खूबसूरत सी शीशी थी। मैं उसको अपने यहाँ ले आया और जब मैं उसको अपने वहाँ लाया तो मैंने देखा कि बड़ी अच्छी बात है, फिर मैं दोनों को जैसे उसने बताया था वो लगाना शुरू करा और लगाने के 3-4 मिनट के अंदर मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो गया, उसका रिएक्शन हो गया। अब बताइए 4000-7000 रुपये की 2 क्रीम, 50-50 ग्राम की 2 क्रीमें, 7000 रुपये एक आदमी की तनख्वाह होती है एक महीने की, 5000 में इस मंदी के दौर में लोग काम करने को नौकरी करने को तैयार हैं,
तो 7,000 रुपये की क्रीम आज भी मेरे घर पे ऐसे ही पड़ी है। अब मैं दूं तो भी किसको दूं, जो चीज़ ही ख़राब है मैं किसको दूं, लेकिन दुनिया लाइन लगा के यही खरीद रही है, तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया, मैंने भी क्रीम खरीद ली। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बड़ा नुकसान हो गया 7,000 रुपये का। मैं आमतौर पर कुछ लगाता नहीं हूँ, लेकिन लालच में आके लगा लिया और वो गलत करा। तो कॉस्मेटिक ना इस्तेमाल करें, इतनी लंबी कहानी मैं इसीलिए आपको बताया हूँ। और अच्छा खान पान रखें, अच्छे विचार रखें, कर्म ही पूजा है, कर्म करें, इबादत करें, भगवान के करीब रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें, लाइफ फूड्स खाएं, आपका चेहरा चमकेगा, आपको कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं है। और अगर चेहरा आपका ख़राब हो गया है तो बोविस्टा 30 क्रीम दवा का इस्तेमाल करें, दो दो बूंद दिन 3 बार, और सारे कॉस्मेटिक के बैड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करें, बशर्त है आगे से आप कॉस्मेटिक का इस्तेमाल ना करें। एक स्थिति आप लोगों में से किसी को आ सकती है, वह है फ्रेकल्स की। यह भी आपकी खूबसूरती में दाग लगाता है। तो साथियों, अगर आपको फ्रेकल्स की दिक्कत हो, फ्रेकल्स क्या होते हैं मैं अपने उन श्रोताओं दर्शकों को बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं। फ्रेकल्स वो स्थिति होती है आपके स्किन की कि जब आपको धूप पड़ती, जो सन का एक्सपोजर होता है, उससे आपके चेहरे पे डिस्कलरेशन या पिगमेंटेशन हो जाता है, उस स्थिति को फ्रेकल्स कहते हैं। अब गर्मी का सीज़न होता है, हिंदुस्तान में गर्म बहुत तेज पड़ता है, तो फ्रेकल्स की संभावना बहुत हो जाती है। हर व्यक्ति को काम करने के लिए आजकल लगना है बाहर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो फ्रेकल्स को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। उसमें 3 दवाएं मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। पहली दवा है नाइट्रम यूरेटिकम, दूसरी दवा है फॉस्फोरस, और तीसरी दवा है लाइकोपोडियम। यह 3 दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो आपके चेहरे के निशान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी, जो धूप से आपकी स्किन पे डिस्कलरेशन हुआ है। पहले बात कर लेते हैं नेट्रम्यूर की। नेट्रम्यूर हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस महिला के लिए बहुत कारगर है जिसको कि धूप सहन नहीं होती। धूप में उनके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, खाने में उनको नमकीन चीज़ें पसंद होती हैं, मरीज थोड़ा सा गुस्सैल होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, और थोड़ा उसका शरीर दुबला पतला गहरा होता है। अगर यह 4 बातें आप में हैं और आपके फ्रेकल्स हैं यानी पिगमेंटेशन है धूप के कारण, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा नेट्रम यूरेटिकम है। इसका 1 mg में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली लेके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, फ्रेकल्स को दूर करके अपना चेहरा चमका सकते हैं। दूसरी दवा साथियों जो इसी श्रृंखला की है, वह है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फ्रेकल्स को दूर करने की बहुत कारगर दवा उन लोगों में है जिनको बहुत ठंडा खाना पसंद होता है, जिनके बाल बहुत झड़ते हैं और जिनको शाम के वक्त तकलीफ़ें बढ़ती हैं। अगर धूप के कारण उनकी स्किन में पिगमेंटेशन आया है और उनमें यह सिम्टम है, हेयर फॉल, ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद और शाम के समय तकलीफ़ें बढ़ना, तो उनकी दवा फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के मरीज को अंदर से शरीर में जलन महसूस होती है, बर्निंग होती है अंदर से पूरे शरीर में। अगर यह सिम्टम है तो आपकी दवा फॉस्फोरस है। यह दवा आपके चेहरे को बेदाग कर देगी, आपके चेहरे को बिल्कुल साफ कर देगी। और तीसरी दवा साथियों इसी श्रृंखला की लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम हर उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी दवा है जिसके फ्रेकल्स हैं, यानी धूप से उसके स्किन में बिल्कुल पिगमेंटेशन हो गया है और उनका पेट खराब रहता है, पेट में गुड़गुड़ाहट रहती है, उनको मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। जिनको फ्लेचुलेंस, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट लोअर एब्डोमेन में होते हैं, वह लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर अपने चेहरे को चमका सकती हैं और इस समाज में मजबूती से खड़ी हो सकती हैं। साथियों, खूबसूरत चेहरे की बात करी जाए तो तमाम दवाएँ हैं, तमाम बातें हैं, तमाम और सिम्टम्स हैं, लेकिन कुछ मैंने आपको 8-10 सिम्टम जो मुख्य सिम्टम है आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए, वह कवर करने की कोशिश करी है। अगर मुझसे कोई सिम्टम छूटा हो तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में उस सिम्टम को लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको उसकी दवा भी बता पाऊँ अगर मेरे समय मिला तो। वादा नहीं करता लेकिन कोशिश करूँगा। या फिर हमारे WhatsApp नंबर जो नीचे दिया है इस पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने में हमसे जो मदद चाहिए वो ले सकते हैं। दवाएं साथियों यह आपकी जानकारी के लिए थी। दवा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा, ये मेरी आपसे सलाह है। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो जिसको बनाने में बहुत मेहनत वक्त लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
ताकि कॉस्मेटिक के दुष्प्रभाव से और लोग भी बच सकें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो आप डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक से प्राप्त करते रहिएगा। आप पूरी विश्व में चमके, ऐसी हमारे क्लिनिक और हमारी ख्वाहिश है, हमारी इच्छा है। आपका साथियों, इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।